दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे देश की सैर पर जो सच मानिए खूबसूरती का भंडार है। दोस्तों, ये वो देश है जहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा धूप वाली जगह है। ये वो देश है जो कि 6000 से अधिक द्वीपों का घर है। ये वो देश है जो 18 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल को अपने में समेटे है। ये वो देश है जो 80% पहाड़ों से घिरा है। ये वो देश है जिसका खूबसूरत कोस्टल एरिया आपको इनवाइट करता है। शहर इतने खूबसूरत कि मानो सपनों की नगरी में आ गए हैं। लड़कियां इतनी खूबसूरत कि निगाहें ना हटे। तो कौन सा है ये देश दोस्तों? तो दोस्तों, इस खूबसूरत देश का नाम है ग्रीस। तो चलिए चलते हैं ग्रीस की सैर पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, ग्रीस दक्षिणी यूरोप में बसा है। इसके उत्तर में बुल्गारिया, मकदूनिया और अल्बानिया है, तो वहीं पूर्व में तुर्की। ये भूमध्य सागर के उत्तर पूर्व में स्थित द्वीपों का एक ग्रुप है। ग्रीस में 2000 आइलैंड है दोस्तों, इसमें से 170 पर लोग रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रीस का कोस्टल एरिया 13,676 किलोमीटर लंबा है। इसी के साथ ऑफिशियली हेलेनिक पब्लिक इसे कहा जाता है। देश के करीब 40% की आबादी राजधानी एथेंस में रहती है। दोस्तों, एथेंस को यूरोप के सबसे पुराने शहरों में गिना जाता है। सबसे पहले लोग यहाँ 7000 साल पहले आए थे। इसी के साथ आपको बता दें कि पश्चिमी सभ्यता का उद्गम स्थल यही है। लोकतंत्र, रंगमंच, ओलंपिक खेल और बहुत कुछ का जन्म स्थल यही देश है। आज हम सभी ग्रीस को उसके प्राचीन इतिहास, अविश्वसनीय भोजन और भव्य द्वीप परिदृश्य के लिए जानते हैं। लेकिन यहाँ कुछ चीजें हैं जो आप अभी तक नहीं जानते हैं, जो आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, ग्रीक भाषा को आज भी उपयोग में लाने वाली सबसे पुरानी भाषाओं में से एक माना जाता है। पुरातात्विक खोजों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि इसका यूज 5000 से अधिक वर्षों से हो रहा है। दोस्तों, ग्रीक का इंग्लिश और लैटिन भाषाओं पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। ग्रीस जाने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको सीख लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए और कुछ वर्ड्स हैं जिसका अभ्यास आपको करना चाहिए। वो इसलिए कि जब आप यहाँ आए तो आपको थोड़ी बहुत ग्रीक आती हो। दोस्तों, क्या आपको पता है ग्रीस हजारों खूबसूरत द्वीपों का घर है? ऐसा अनुमान है कि ग्रीस 6000 द्वीपों और टापुओं का घर है, जिनमें से केवल 200 के आसपास ही लोग रहते हैं, बाकी वीरान से हैं। जब आप ग्रीस के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में रेतीले तट, नीले महासागर, सफेद से पुती हुई इमारतें और नीले गुंबद दिखाई देते हैं। लेकिन ग्रीस के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सरप्राइज कर देंगी। आपको पता है ये खूबसूरत देश 80% पहाड़ों से घिरा है, ढका है। चलने के जूतों की एक अच्छी जोड़ी आपको पैक करनी होगी यहाँ ट्रैकिंग के लिए। तो अगर आप प्रकृति से प्यार करते हैं, ट्रैकिंग से प्यार करते हैं, तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। दोस्तों, ये देश 18 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का घर भी है, जिसमें एथेंस का एक्रोपोलिस, अपोलो का मंदिर, मेटियोरा और कोरफू का पुराना शहर जैसे विश्व प्रसिद्ध स्थल शामिल हैं। इतिहास प्रेमियों के लिए ये परफेक्ट जगह है। दोस्तों, ये कोई रहस्य नहीं है कि ग्रीस घूमने के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन देशों में से एक है, ये सत्य है। जी हाँ, यूनिवर्सल ट्रुथ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 33 मिलियन से अधिक पर्यटक ग्रीस आते हैं हर साल? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। जनसंख्या के तिगुने से अधिक लोग यहाँ पर आते हैं। दुनिया के एकमात्र देशों में से ये एक है जहाँ पर्यटकों की संख्या इतनी ज्यादा है। दोस्तों, यहाँ की इकोनॉमी मोस्टली यहाँ के टूरिज्म पर डिपेंड करती है, हालांकि एक विकसित देश है और बेहद ही खास। दोस्तों, बॉलीवुड और हॉलीवुड पर ग्रीस का दबदबा कायम है। यहाँ के वेन्यूज इतने खूबसूरत हैं कि यहाँ पर लगातार फिल्मों की शूटिंग होती है। बहुत सारी इंग्लिश फिल्में हैं और बहुत सारी हमारी इंडियन फिल्में भी हैं, जहाँ पर ग्रीस की काफी बेहतरीन और खूबसूरत जगहों को शूट किया गया है। इसी के साथ ये खूबसूरती हमें कई फिल्मों में भी देखने को मिली। कहा जाता है शाहरुख की फेवरेट जगह है। दोस्तों, ग्रीस में 4000 से अधिक ऑफिशियल डांस फॉर्म्स हैं, पूरे देश में ये हैं। इसलिए आपको एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां आप ग्रीस की अपनी यात्रा के लिए तैयार हो सके। इसके साथ ही आपको पता है दोस्तों, ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपको पूरे साल धूप मिलेगी। हर साल 250 दिन से अधिक दिन यहां धूप रहती है, 3000 घंटे धूप रहती है। कुछ द्वीपों पर तो साल में लगभग 300 दिन धूप रहती है। सनस्क्रीन पैक लगाइए और यहाँ घूमने चले जाइए।
कहाँ कहाँ जा सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, सेंटोरिनी बेहद ही खूबसूरत शहर। सेंटोरिनी ग्रीस के सबसे शानदार द्वीपों में से एक है। ये एजियन सागर में एथेंस और क्रेते के बीच में है। साइक्लेडेड द्वीप समूह का बेहतरीन हिस्सा है। अंदर चंद्राकार द्वीप है ये। दृश्य को देखिए, खूबसूरती इतनी है कि बस नजरें ना हटे। सफेद घर, नीले गुंबद, चर्चेस, पवन चक्कियां। ओह माय गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल। ये दुनिया में सबसे ज्यादा फोटो खींचे जाने वाली जगहों में से एक है। द्वीप इतना खूबसूरत है कि यहीं रुकने का मन करता है। समुद्र तट, सूर्यास्त के दृश्य, गर्म झरने और वाइनरी आपको यहीं रुकने पर मजबूर कर देगी। सेंटोरिना, जिसे पहले थिया के नाम से जाना जाता था, यहाँ पर आपको कई गांव मिलेंगे जो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। इसी के साथ दोस्तों, ये है एथेंस, द कैपिटल ऑफ ग्रीस। एकोपोलिस एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो एथेंस का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध मील का पत्थर है। इस गढ़ के भीतर अभी भी खड़ी शाही संरचनाओं का एक ग्रुप है जो वास्तुकला की अनूठी छाप छोड़ता है। प्राचीन ग्रीक शैली को प्रदर्शित करता है, शहर और इसके लोगों की कहानियां बताता है। पार्थेनन, एक्रोपोलिस और प्राचीन अगोरा जैसे कई ऐतिहासिक आकर्षणों के केंद्र भी यहाँ पर हैं। एथेंस संस्कृति और रंग से भरपूर है और इसकी जीवंतता बरकरार। सुबह 3 बजे से 4 बजे तक ये खुला रहता है और स्वादिष्ट भोजन, विशेष रूप से कुछ खास कुजींस के लिए ये जगह जानी जाती है। दोस्तों, ये है माइकोनॉस। माइकोनॉस ग्रीस के सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा देखे जाने वाले द्वीपों में से एक है। ये साइक्लेड्स समूह का सदस्य है और अपने रेतीले समुद्र तटों और पार्टी के माहौल के लिए जाना जाता है। सफेद पुती इमारतें और फिरोजा पानी के साथ ये बेहद खूबसूरत लगता है और सबसे महाद्वीपीय द्वीप भी। अधिकांश समय आप इस द्वीप पे गुजार सकते हैं। हवाओं का द्वीप भी इसे कहा जाता है, तो जब भी फुर्सत मिले जल्दी से आ जाइए। दोस्तों, ये है क्रेते। क्रेते ग्रीक द्वीपों के सबसे अधिक आबादी वाले और सबसे बड़े द्वीप है, साथ ही भूमध्य सागर से 5वां सबसे बड़ा द्वीप। ये दक्षिण एजियन सागर में है। ग्रीक मुख्य रूप से 160 किलोमीटर दूर है और एजियन को लीबिया सागर से अलग करता है। क्रेते अपने खूबसूरत समुद्र तटों, जंगली प्राकृतिक सुंदरता और स्वादिष्ट भोजन और इतिहास के लिए जाना जाता है। आपको पता है, यहाँ की पहाड़ियाँ, घाटियाँ, नदियाँ और झीलें, वाह क्या ही कहने, समुद्र तट आपको अपनी ओर खींचते हैं। कुछ प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल भी हैं, शाही महल भी हैं, संग्रहालय भी हैं, जहां आप जा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, चाइना टाउन। जी हाँ, चाइना टाउन आपको ग्रीस में भी मिलेगा। ओल्ड वेनिस हार्बर चाइना टाउन का एक बेहद ही खास और मुख्य आकर्षण का केंद्र है। दोस्तों, ये है चाइना टाउन। चाइना टाउन ओल्ड वेनिस हार्बर चाइना टाउन है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है। आपको पता है, यहाँ की वास्तुकला अनूठी है। हॉलीवुड फिल्मों और टेलीविजन श्रृंखलाओं के लिए जाना जाता है। अपनी पथरीली सड़कों और मैत्रीपूर्ण लोगों की वजह से ये काफी फेमस है। यहाँ के लोग आपका ऐसा वेलकम करेंगे जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। रोमांटिक लोगों के लिए और जोड़ों के लिए ये किसी स्वर्ग से कम नहीं। पुराने वेनिस हार्बर में रंगीन नौकाएं और पुरानी वास्तुकला, खूबसूरती से सजाए गए बॉटनिकल गार्डन, चाइना पुरातात्विक संग्रहालयों में कलाकृतियां, साथ ही वेनिस लाइट हाउस का लोकप्रिय मील का पत्थर, ग्रीक वास्तुकला एक बेहतरीन प्रदर्शन, यहाँ आपको ये सब देखने को मिलेगा। आई होप दोस्तों, हमारे साथ यहाँ आकर और खूबसूरत सैर करके आपको अच्छा लगा होगा। आप कब ग्रीस जा रहे हैं हमें जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।